आज का खास मकसद था एडीजीपी जम्मू और डीआईजी जम्मू जो कि पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर वाला पोर्शन को देखते हैं, सांबा कठुआ हीरानगर जम्मू की भी कई सारा हिस्सा है, ये एक ऐसी स्ट्रेच है जहां पे हमें लगता है कि एक विलेज डिफेंस ग्रुप्स की सहायता से हम एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन में एक नया ऊर्जा, एक नया दीवार, एक नया फिल्ट्रेशन की एक कार्रवाई, एक सिलसिला जारी कर सकते हैं। तो सरकार का भी इसमें काफ़ी जोर है। वैसे भी मतलब नॉर्मल पुलिसिंग में भी हम हमेशा इस चीज़ की यकीन रखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना, कोऑपरेशन के बिना पुलिसिंग की, लॉ एनफोर्समेंट की पूरी तरीके से ऑप्टिमम रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। और चूंकि इस ये वाली इलाका ऐसी है हिस्ट्री में, पास्ट में इन लोगों की हमेशा एक रहा है, जज्बा रहा है चटबड़ के पुलिस के साथ दे के काम करने के लिए, तो हमने एक इंटरेक्शन करी, उनका सुना, उन्होंने हमारी सुनी, तो एक पहले से जो रास्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बना के उसमें हथियार का, इक्विपमेंट्स का, नाइट विज़न का, रिवार्ड्स का, हर लिहाज से है। तो ये वॉलंटरी प्रोग्राम, इसमें तो ये कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नहीं है, पर एक जज्बा है, एक इज्जत है, एक पुलिस के साथ पार्टिसिपेट करने का एक मौका है। और साथ में हमने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छा करता है और बाकी पुलिस के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे एसपीओ का या चाहे कांस्टेबल का, अगर काम ऐसा है कि जो जिसकी डेमोन्स्ट्रेटिव कॉन्स्पिकुअस गैलेंट्री जैसे हम कहते हैं, अगर वो हुआ तो हम अपना जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में जो स्पेशल पावर्स हैं, हम तहत उसके तहत आम शहरी को, नागरिक को भी एसपीओ लेने में पीछे नहीं हटेंगे, उसको पुलिस में दाखिला देने में भी पीछे नहीं हटेंगे और रिवार्ड देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, तो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में इनका यूज़ किया जाएगा, इसको बिल्कुल मतलब पीछे जो एरिया है, डेफ्थ एरिया है, उसमें उनकी पुलिस पोस्ट्स जो हैं, पुलिस बॉर्डर पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट से उनके साथ मिलके और बीएसएफ के साथ एक कोऑर्डिनेशन रख के, मान लीजिए कि वहाँ पे किसी कारण उनको संदेह हुआ, उनको किसी तरीके से उनको शक शुबा हुआ, तो कई सारे वो उन्होंने अलर्ट करी, जारी करी, तो हमारा पीछे का तंत्र जो है वो जागेगा। अब एकदम से ये क्या तालमेल रहेगा, क्या एसओपी रहेगा, कुदरती नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस और खुफिया चीज़ें हैं, तो ये हम आम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक जन जागरण के तौर पे गांव वाइज, मैंने जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनके सारे नौजवान जो है हमारे साथ हैं और चढ़बढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे हम एक नया लेवल की डिफिकल्टी पैदा करेंगे दुश्मन के लिए। सर, वेपन्स को भी अपडेट किया जाएगा? जी, मैंने जैसे कहा कि इसमें अपडेट वेपन्स की भी वो भी होगी, इक्विपमेंट्स की भी होगी और ख़ासकर तालमेल की भी होगी और रिवार्ड्स और तरीके से उनके हौसला अफजाई के लिए भी हमने सिस्टम बनाया।